बच्चों मैं संगीता कर्माकर आपकी हिंदी शिक्षिका आज हम कक्षा पांच हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न के पाठ बारह हाई प्रदूषण को पढ़ेंगे बच्चों आपको पता है ना कि प्रदूषण क्या होता है विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से ही जन्मा है जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है प्रदूषण का अर्थ होता है प्राकृतिक संतुलन में दोष का पैदा होना जिससे हमको ना तो शुद्ध वायु मिलती है ना शुद्ध जल मिलता है और ना ही शुद्ध खाद्य मिलता है और ना ही शांत वातावरण मिलता है प्रदूषण जो है वो कई प्रकार के होते हैं उनमें से प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण वायु प्रदूषण जो है महानगरों में कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का धुआं इससे फैलता है जल प्रदूषण कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है उसी तरह ध्वनि प्रदूषण मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए परंतु आजकल कल कारखानों का शोर यातायात का शोर मोटर गाड़ियों का शोर लाउड स्पीकरों की तेज ध्वनि से बहरेपन और तनाव को जन्म मिला है तो बच्चों आइए अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं पाठ बारह हाई प्रदूषण हाई प्रदूषण हाई प्रदूषण हाँ आज सभी इस समस्या से परेशान हैं प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का दूषित होना आज का युग विज्ञान का युग है मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए अनेक आविष्कार किए और पृथ्वी आकाश तथा जल पर अपना आधिपत्य जमा लिया इसके साथ साथ उसने प्रदूषण की समस्या को भी जन्म दिया है मनुष्य के शरीर को शुद्ध वायु व वा जल की आवश्यकता होती है जिन्हें प्रकृति ने मनुष्य को विशुद्ध रूप में दिया था परंतु आज प्रकृति के इन उपहारों में विकार पैदा हो गए हैं इनका दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है तो प्रकृति ने हमको शुद्ध वायु शुद्ध जल सब कुछ शुद्ध दिया था लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों ने उसको अशुद्ध कर दिया है पॉल्यूशन फैला दिया है प्रदूषण कर दिया है और यही प्रदूषण जो है मनुष्य के लिए हानिकारक है आज यह समस्या पूरे विश्व के सामने है परंतु भारत में यह समस्या अत्यंत विकट रूप धारण कर चुकी है ये समस्या पूरे विश्व के लिए है लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही इस समस्या ने अपने पैर जमा लिए हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रदूषण हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं वायु प्रदूषण जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रदूषण जो हैं वो हमें परेशान करते हैं एक है वायु प्रदूषण जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में वायु जीवन का आधार है वायु प्रदूषण से हमारा तात्पर्य है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना तथा कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों का बढ़ना ऑक्सीजन की कमी से श्वास लेने में भी कठिनाई होती है जिससे कई रोगों का जन्म होता है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले वनों को अधिक लगाने के स्थान पर मनुष्य ने उन्हें काटना आरंभ कर दिया है आजकल यातायात के साधनों में इतनी वृद्धि हुई है कि वे हर समय जहरीला धुआं छोड़ते रहते हैं जो वायुमंडल को दूषित बना देता है बढ़ते उद्योग धंधों के दुर्गंधपूर्ण गंदे नालों व जहरीला धुआं उगलती चिमनियों ने भी वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ा दिया है इसी कारण आज खांसी दमा तथा तपेदिक यानी कि टीवी के रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है वायु हमारे जीवन का आधार है हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है हवा की आवश्यकता होती है वायु प्रदूषण से का तात्पर्य यह होता है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण हमको सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है जिससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले वनों को अधिक लगाने के स्थान पर मनुष्य ने उन्हें काटना प्रारंभ कर दिया है मनुष्य क्या कर रहा है वनों को काट रहा है पेड़ पौधों को काट रहा है उससे शुद्ध ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है आजकल यातायात के साधनों में भी वृद्धि हुई है जिसके पास देखो गाड़ी जिसके पास देखो गाड़ी और उनसे निकलता हुआ जहरीला धुआं साथ में उद्योग धंधों के दुर्गंधपूर्ण गंदे नालों और जहरीला धुआं उगलती चिमनियों ने भी वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ा दिया है आज जो है वो खांसी दमा टी के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण मनुष्य की दूसरी प्रमुख आवश्यकता है जल आज मनुष्य को पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिलता नदियों का बहता जल पीना पहले हानिकारक नहीं था वह निर्मल स्वच्छ व मीठा होता था धरती के नीचे विशुद्ध जल संग्रहित था लेकिन आज मनुष्य ने जल को भी शुद्ध नहीं रहने दिया कारखानों का विषैला कचरा नदियों में बहाने से नदियों जलाशयों के पास मनुष्य द्वारा मल मूत्र विसर्जन करने कपड़े धोने पालतू पशु नहलाने से जल प्रदूषण होता है आजकल प्रदूषित जल को पीने से हैजा पीलिया आदि रोग फैल रहे हैं पहले क्या होता था हम नदी का जल जो था वो डायरेक्ट सीधे पी लेते थे और उससे हमको कोई नुकसान नहीं होता था और उस जल को निर्मल और स्वच्छ जल माना जाता था और वह मीठा भी होता था धरती के नीचे शुद्ध जल जो है वो एकत्रित एक है लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया है उस जल को भी शुद्ध नहीं रहने दिया है कारखानों का जो विशेला कचरा होता है उन सब को वह नदियों में बहा देते हैं जलाशयों के पास मनुष्य द्वारा मलमूत्र विसर्जन करते हैं कपड़े धोने के लिए पालतू पशुओं को नहलाने के लिए तो इससे क्या हो रहा है जल प्रदूषण हो रहा है और इस प्रदूषित जल को पीने से हेज़ा, पीलिया आदि रोग फैल रहे हैं तीसरा प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण से अभिप्राय है अनावश्यक असुविधाजनक अनुपयोगी आवाज़ का शोर अनावश्यक मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है असुविधाजनक जिससे हमको परेशानी हो रही हो और अनुपयोगी मतलब जिसका कोई प्रयोग नहीं हो उस आवाज़ का शोर विमानों की गर्जना मोटर की पोंपों ट्रकों की धड़धड़ कारखानों की मशीनों की आवाज़ लाउड स्पीकर टेलीविज़न रेडियो का शोर ध्वनि प्रदूषण बढ़ा रहा है मतलब विमानों मतलब हवाई जहाज़ की जो आवाज़ है मोटर की जो आवाज़ है ट्रकों की आवाज़ कारखानों के मशीनों की आवाज़ लाउड स्पीकर टेलीविज़न रेडियो का शोर ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ा रहा है ये कर्णभेदी ध्वनियाँ हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करती हैं ये इतनी तेज़ आवाज़ वाली ध्वनियाँ जो हैं हमारे सुनने की शक्ति को प्रभावित कर रही हैं ऐसी ध्वनियों से लोग प्रायः ऊंचा सुनने लगते हैं इससे हमारे शरीर के कोमल तंतु प्रभावित होते हैं जिससे मनुष्य को अनिद्रा सिर दर्द उच्च रक्तचाप आदि रोगों की संभावना बढ़ जाती है तो ध्वनि प्रदूषण से अभी हमको बहुत सारे रोग होने शुरू हो जाते हैं जैसे कि नींद का नहीं आना सिर का दर्द होना ब्लड प्रेशर का बढ़ना ये सारी समस्याएं ध्वनि प्रदूषण से होती हैं प्रदूषण की समस्या बहुत भयंकर समस्या है इस समस्या के निराकरण का उत्तरदायित्व केवल सरकार का नहीं है इसके लिए सभी का जागरूक होना आवश्यक है हमें स्वयं भी प्रदूषण फैलाने से बचना होगा और अपने आस पड़ोस व मित्रों को भी ऐसा करने से रोकना होगा तो प्रदूषण की जो समस्या है उससे लड़ने के लिए सरकार ही उत्तरदायित्व नहीं ले सकती इसके लिए हमें भी आगे बढ़ना होगा और स्वयं तथा अपने मित्रों को भी इसे रोकने में सहयोग करना होगा इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार तथा जनता मिलकर इस दिशा में कुछ निम्न उल्लेखनीय कदम उठा सकती है नंबर वन उद्योगों को शहर से दूर स्थापित किया जाए दूसरा शहरों में विद्युत चलित रेलगाड़ियों का विस्तार कर अन्य वाहनों को कम करना चाहिए मतलब उद्योगों को शहर से दूर लगाना चाहिए शहरों के अंदर नहीं रखना चाहिए शहरों में जो है इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा चलाना चाहिए और वाहनों को कम करना चाहिए ध्वनि प्रसारण यंत्रों की ध्वनि कम करनी चाहिए ध्वनि प्रसारण यंत्र माने जैसे लाउड स्पीकर है टीवी है रेडियो है इन सब की ध्वनियों को कम करना चाहिए तीस चौथा कारखानों मकानों व भवनों में अधिक ऊंची चिमनियाँ लगाई जाएं पांचवा वनों की कटाई ना की जाए अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं यदि हर व्यक्ति प्रतिवर्ष पांच पेड़ लगाने का संकल्प ले तो पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो सकता है वनों को काटने से रोकना चाहिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और ये निर्णय लेना चाहिए निश्चय करना चाहिए कि हर व्यक्ति पाँच पेड़ लगाए प्रति वर्ष तो उससे क्या होगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा पीने योग्य पानी का उपयोग पशुओं के नहाने कपड़े वाहन आदि धोने के लिए ना करने के निर्देश दिए गए हैं तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में लोगों द्वारा तेल साबुन आदि के प्रयोग पर रोक लगाई गई है हम सब नागरिकों को इस और ध्यान देना चाहिए मतलब पीने का पानी जो है उसको पीने में ही उपयोग में लाना चाहिए उससे दूसरे काम नहीं करना चाहिए जैसे कि जानवरों को नहलाना कपड़ों को धोना गाड़ियों को धोना इन सब कामों को पीने के पानी से नहीं करना चाहिए जो तीर्थ स्थान है पवित्र स्थान है वहाँ पर जो नदियाँ हैं वहाँ पर जब लोग नहाते हैं तो तेल और साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए हमें मिलकर ही तो इसे रोकना होगा तो हम सबको स्वयं इस पर ध्यान देना होगा अतः हमें आज के युग की प्रमुख समस्या प्रदूषण को कम करना है जिससे मनुष्य स्वच्छ पर्यावरण में जी सके आज हम सबका यही नारा होना चाहिए कौन सा नारा आओ हम सब वृक्ष लगाएं, आओ हम सब वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं, जल और वायु शुद्ध पाए जल और वायु शुद्ध पाए तो बच्चों हमने आज पाठ प्रदूषण पढ़ा तो प्रदूषण से बचने के लिए हमको क्या करना है अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं अपने आसपास हरियाली को बढ़ाना है सड़कों के किनारे भी वृक्ष लगाने हैं कल कारखानों को आबादी से दूर रखना होगा उसके अलावा पीने के पानी को सही जगह पर उपयोग करना होगा वनों को बचाना होगा तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा घर पर एक बार और इस पार्ट को पढ़िएगा गॉड ब्लेस यू